तो ऐसी कुछ एंट्री है, ये देखो फोर्ट की। बाकी चलते हैं आगे यार। तो ऐसा कुछ था एंट्रेंस नीचे से, और बाहर से ये दिखाता हूँ। वाह, रेईस मागोस फोर्ट, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आप पॉज करके पढ़ लेना क्या है, क्या लिखा हुआ है। डेथ होल, दिस इज यूज्ड शूट थ्रो हॉट ऑयल ऑन द एनिमी हु हैड पेज द गेट्स। अच्छा, यहाँ से गरम तेल फेंकते थे जैसे कोई अंदर आता था, उसके लिए है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस सेल, सॉलिटरी, क्या होता है सॉलिटरी पता नहीं, टिकट चेक कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जेल था जी, और ये देखो इसके बारे में बताया हुआ है सारा। द आर्मियर ड्यूरिंग द फ्रीडम मोमेंट दिस सेल वॉज ऑल्सो यूज टू सॉलिटरी कॉन्टिनेंट। अच्छा, यहाँ गन वगैरह रखने के लिए। वाओ, एक रास्ता यहाँ से है। तो ये देखो उस टाइम का लाल पत्थर थे जो उससे बनाया हुआ सीढ़ियाँ। वाओ यार, क्या बात है, क्या बात है यार। सारी हिस्ट्री है यार। तो ये कोई आर्ट गैलरी है शायद उस टाइम की। ओ वाह, ये देखो बताओ, माय गॉड, इतनी खूबसूरती यार, ऑसम यार। आप बाहर का लोकेशन तो देखो यार, माय गॉड, अनबिलीवेबल। अब ये एरिया है, क्या बात है। तो ये देखो जी, वाओ, क्या बात है, उस टाइम की तोफ्स अभी तक मौजूद है। नो सपोर्ट लोडिंग, प्लीज़ डू नॉट क्लाइंब, इसके बाद चढ़ना मत। बाप रे, उस टाइम की तोप ऐसी होती थी क्या, बता तो ऐसी कुछ रहा ना यार। तोप थोड़ी है, ये तोप है भाई, तोप। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो होल भी है, ये देख सकते हो। वाओ, दिस इज ऑसम यार। यहाँ पे रखा जाता था और सीधा गन से हील किया जाता था, मार दिया जाता था सीधा ट्रैक्ट। वाओ, ये देखो यहाँ से डिशुम सीधा उधर। ये देखो आगे से भी दिखाता हूँ, एक ही पॉइंट था बैठ के देखने के लिए। ओह माय गॉड, तो एक साइड ये है जहाँ पे, यहाँ पर भी तोप्स लगाई हुई हैं। तो ये आंटी जी यहाँ पे वर्कर है शायद, काम कर रही है सफाई का, देख सकते हो जो घास वास उग गया हुआ है। तो ये तोप जो वहाँ से समुंदर से एनिमी वगैरह आते थे उनको उड़ाने के लिए है सीधा। ओ क्या बात है यार। तो ये यहाँ से स्टेयर्स है नीचे उस साइड जाने के लिए, यहाँ पे भी एक कुछ है, देखते हैं जाके क्या है। तो एक ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर कुछ हिस्ट्री वगैरह होगी, देखते हैं क्या है। तो ये कुछ है, पता नहीं क्या है, ये फोर्ट। अच्छा, फोर्ट का डिज़ाइन है ये है इंटरनेंस, रिस्मो का फोर्ट बिफोर एंड आफ्टर रिस्टोरिंग। तो यही था जी पंजिम में, जो जो घुमा मैंने, चर्च और ये फोर्ट सबसे ज़बरदस्त। बस अब चलते हैं कैंपिंग वुकिंग देखने का, लगाने का जगह ढूंढते हैं, अगर मिलता है कहीं तो, नहीं तो देखेंगे क्या होता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो गाइस, फोर्ट वगैरह सारा कुछ घूम लिया, तो पंजिम का ब्लॉग यहीं तक था। आगे देखता हूँ, अगर पंजिम में घूमूंगा तो और ब्लॉग आएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ फिर मैं दूसरी जगह चल जाऊँगा, मणिगांव। तो यार देखो,
ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम सी के किनारे यार, ज़बरदस्त नज़ारा है गोवा में भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।